नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED तृतीय सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में साइंस का चैप्टर 2 अपलोड करने जा रहे हैं और ये चैप्टर 2 एक ही वीडियो में है। हम आज इसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम साइंस के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उनको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र, ये है चैप्टर 2 का नाम। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सारे पॉइंट्स मैंने एक सीरियल से बताए हुए हैं। इसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी हमारी DLED तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हैं, वो सारे पॉइंट को मैंने सीरियल वाइज अरेंज करके रखा हुआ है और हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आपको उससे परेशानी ना हो और वो प्रश्न आप गलत ना करके बिल्कुल सही करें। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साइंस में 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हमारी अच्छे नंबर आएंगे और आगे जाके शिक्षक भर्ती में हमारी जो एकेडमिक मेरिट है वो हाई होगी। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि दाब क्या है। जब किसी सतह पर बल लगाया जाता है तो दाब उत्पन्न होता है, ठीक है। यह है, मान लीजिए मोटा मोटा सा एक आइडिया लग गया कि दाब क्या है। जब किसी सतह पर बल लगाया गया तो वहां पर दाब उत्पन्न होता है। अब अगर यह पूछ दे कि दाब की परिभाषा लिखो, तो दाब की परिभाषा आपको इसी फॉर्म में लिखनी है, तभी आपको पूरा एक नंबर या दो नंबर मिलेगा। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ये तो हो गई दाब की परिभाषा। अब देखते हैं दाब का सूत्र क्या है। बल बटे क्षेत्रफल, जो दाब का जो सूत्र है वो है बल बटे क्षेत्रफल, जिसे पी इक्वल टू एफ अपॉन ए भी कहते हैं, ठीक है। पी से हो गया आपका प्रेशर, एफ से हो गया फोर्स, ए से हो गया एरिया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बल का मात्रक है वो है न्यूटन, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो है वर्ग मीटर। ये तो आपने गणित में भी पढ़ा है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, जो पी है, दाब है, उसको पी से डिनोट करते हैं, बल को एफ से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, मतलब प्रेशर, फोर्स और एरिया। अब दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर। और बात करें एसआई मात्रक की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल, जिसे हम पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। पास्कल होता है और पी ए से डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं, जो वायु होती है वो सभी दिशाओं में दाब डालती है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में वायु भरी गई तो सिर्फ जिस दिशा में भरी जा रही उसी दिशा में दाब डालेगी, ऐसा नहीं है। वायु जब किसी के अंदर भरी जाती है तो वो चारों तरफ फैलती है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि गुब्बारा है, जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो आप देखेंगे कि जो हवा है वो गुब्बारे के अंदर जाती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो गुब्बारा होता है वो फूलता है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है जो वायु होती है वो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में दाब डालती है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इसे वायु दाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है, एक नंबर में आ सकती है, तो अच्छे से आप याद कर लीजिए। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इसे वायु दाब भी कहा जाता है। अब वायु दाब का मापन किस तरह किया जाता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब की मान ज्ञात करते हैं। जो किसी सतह का जो एकांक क्षेत्रफल है, कोई विशेष एरिया है, उस पर जो वायुमंडल है, जितना भी मान लीजिए हमने 5 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ले लिया जमीन पर, और उसका जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में वायु के भार से हम वायु दाब को, इसका जो मान है वो हम ज्ञात करते हैं। इसका जो सूत्र है, वायु दाब वायु स्तंभ का भार और क्षेत्रफल, वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल, ये है वायु दाब का
सूत्र। आगे देखते हैं प्रामाणिक वायु दाब क्या होता है, एक नंबर में या दो नंबर में, ये दो नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए पूरी तरीके से। प्रामाणिक वायु दाब क्या होता है, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। याद रखेगा, जो समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका जो मान होता है 1.013 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी को प्रामाणिक दाब कहते हैं। अगर एक नंबर में पूछा जाएगा तो ये हो सकता है कि प्रामाणिक दाब की मान बताओ, ये पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा 1.013 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये है प्रामाणिक वायु दाब, इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिए और हो सके तो दोस्तों इसको नोट भी बनाते चलिए, क्योंकि ये पुस्तकों से मैंने नोट्स ही बना कर आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आगे है ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदलता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायु दाब बदलता जाता है। प्रत्येक 110 मीटर ऊपर जाने पर वायु दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न ये आ सकता है कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु दाब क्या होगा, तो वायु दाब घटेगा। याद रखेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु दाब आपका घटता जाता है। आगे देखते हैं वायु दाब पर आधारित उपकरण कौन कौन से, जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप। एक नंबर में प्रश्न आ सकता है कि वायु दाब पर आधारित उपकरण लिखो, तो आप जल पंप, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप ये लिख सकते हैं। उत्प्लावन बल क्या है, दो नंबर में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। उत्प्लावन बल क्या है, पानी में वस्तु डुबोने पर पानी द्वारा ऊपर की ओर वस्तु पर बल लगाया जाता है। जैसे आप कोई चीज डुबो रहे हैं पानी में, तो आप देखेंगे वो जो वस्तु है वो पानी में आसानी से जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती, क्योंकि पानी में नीचे से उस वस्तु पर बल लगाया जाता है जिससे वस्तु हल्की महसूस होती है। अब जब पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे जो बाहर उसका भार होता है और पानी के अंदर उसका भार, देखिए आप देखेंगे उसका जो भार होता है वो पानी के अंदर कम होता है जिससे वस्तु क्या होती है, हल्की महसूस होती है। वस्तु के भार में यह कमी उत्प्लावन बल के कारण आती है। पानी द्वारा लगाए गए बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ उत्प्लावन बल आपके अच्छे से समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आपको, तो आप इन सबको जरूर देखते चलिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, ठीक है, उसके भार में कमी आती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जितना वस्तु का भार है वो उसी भार के अनुसार ही द्रव को हटाता है। मतलब भार में जो कमी है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और ये जो भार में कमी आई है वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। जितना उस भार में कमी आ रही है, मान चलिए कि अगर कोई वस्तु है 10 किलो की, अगर आप उसको द्रव में डुबो रहे हैं और उस भार, उस जो वस्तु है उसके भार में मान चलिए 2 किलोग्राम कमी आ गई, मान चलिए वो वस्तु द्रव के अंदर 8 किलोग्राम ही महसूस हो रही है, तो जो 2 किलोग्राम है वही 2 किलोग्राम के बराबर उस बर्तन से पानी बाहर हट जाता है। तो ये इस तरह उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कह रहा है। आगे देखते हैं प्लवन का सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत क्या कहता है, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। मतलब जो वस्तु का भार है और जो उसके द्वारा हटाया जा रहा द्रव है, उन दोनों का भार अगर बराबर है तो जो वस्तु है वो द्रव की सतह पर तैरेगी। तो इसको ऐसे समझते हैं कि कोई मान चलिए बर्तन भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, अब इसमें हम 10 किलो का भार डाल लें, 10 किलो की कोई वस्तु डाल लें, और अगर
जो 10 किलो की वस्तु है अगर वो 10 किलो के बराबर ही द्रव को बाहर कर रही है तो इसका ये मतलब है जो वो वस्तु है वो द्रव की सतह पर तैरेगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, यही कहता है प्लवन का सिद्धांत। आगे देखते हैं वस्तु डूबती या तैरती कब है। सबसे बड़ा पॉइंट है जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। याद रखिएगा अभी मैंने उत्प्लावन बल को अच्छे से समझाया, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूर्णता डूबती हुई तैरती है। अब वस्तु द्रव में पूर्णता डूबती हुई कैसे तैरती, चलिए हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा पूर्णता डूबा हुआ है और तैर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं पूर्णता डूबते हुए तैरना, और इसको कहते हैं आंशिक रूप से डूबते हुए तैरना, मतलब आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर है। अब ये देखते हैं सी, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो वस्तु आंशिक रूप से पानी में डूबते हुए तैरती, जैसा कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है। वस्तु का जो भार है वो उत्प्लावन बल से कम होगा तो वस्तु आंशिक रूप से पानी में डूबते हुए तैरेगी। अब इसको एक अलग तरीके से समझ लेते हैं, जो इसका सिंपल सा जो भाषा है उसमें हम समझते हैं कि जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं, ठीक है। वस्तु और द्रव दोनों का घनत्व अगर बराबर है तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरेगी, तैरेगी पूरी तरह से डूबते हुए। अब यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अब ये देखते हैं जो द्रव होता है वो चारों दिशाओं में दाब डालता है। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई आयताकार बर्तन है उसमें पानी फुल भरा हुआ है और चारों तरफ अगर आप छेद कर दें तो आप देखेंगे कि इधर से भी समान वेग से पानी निकलेगा, इधर से भी, और चारों तरफ से जो उसका पानी का वेग होगा वो समान होगा। ऐसा नहीं कि इस तरफ से ज़्यादा जा रहा है, इस तरफ से कम जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। चारों दिशाओं में समान वेग से पानी निकलेगा, तो इसका क्या मतलब है, द्रव चारों दिशाओं में दाब डालती। ये भी पूछा जा सकता है कि द्रव किस दिशा में ज़्यादा दाब डालती है, कि पानी की दिशा में या बहने की दिशा में, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा द्रव चारों दिशाओं में दाब डालती है। द्रव दाब गहराई के साथ बढ़ता जाता है, ये आपको याद रखना है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव का दाब बढ़ता जाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि एक नली है उसमें तीन छेद कर दिए गए हैं, ठीक है, एक ऊपर का छेद, बीच का छेद और नीचे का छेद। तो यहाँ पर आप देखिए फुल भरा हुआ है, जो नली है वो फुल भरी हुई है, लेकिन जो नीचे का छेद है उसमें आप देखिए पानी का वेग कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब जो सबसे नीचे वाला है उसमें पानी का तेज जो वेग है वो काफ़ी तेज है, और जो बीच वाला है उसका वेग थोड़ा कम है, और जो सबसे ऊपर है उसका वेग बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता चला कि जो द्रव है, जो द्रव का दाब है गहराई के साथ बढ़ता जाता है, जितना आप गहराई बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब द्रव का दाब का जो सूत्र है, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आपको द्रव का दाब पूछेगा और यहाँ पर HDG आपको दे रखा होगा। अब ये है कि ये देख लेते हैं, P फॉर होता है प्रेशर, H फॉर होता है हाइट, D फॉर होता है डेंसिटी, G फॉर होता है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H है ऊंचाई या गहराई जिसे हमने बताया अभी हाइट, और D है घनत्व जिसे हमने बताया अभी डेंसिटी, जी है गुरुत्व जनित ऋण मतलब ग्रेविटी। तो ये तीन चीजें आती हैं आपके द्रव का दाब में। तो यहां पर आप ये सूत्र भी याद रख लीजिए, एक नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि द्रव दाब का सूत्र बता दो, जो द्रव का दाब है इसका सूत्र बताओ, तो आप बताएंगे P=HDG, जहां पर H ऊंचाई या गहराई है, D है घनत्व, G है गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे बताएंगे। 60 मीटर गहरे समुद्र की तली पर जो इसका दाब है वो क्या होगा, यहां पर ये दाब लिखा हुआ है तो आपको बताना है 60 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। जल का घनत्व दे रखा है,
जी की वैल्यू दे रखी है। तो अब आपको बताना है कि जो इसका दाब होगा वो क्या होगा। दोस्तों ये जो 10³ है याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। आपको ये मैं हिंट दे रहा हूँ, इसका जो वही है आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, पी इक्वल टू एच डी जी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और घंटी का निशान जरूर दबा लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।